पीएफआई क्या है, कैसे काम कर रही है पीएफआई, क्या है पीएफआई का मकसद, देश में कहां कहां है इसकी जड़ें और क्यों एक बार फिर से ये चर्चाओं में है। नमस्कार, आज बात होगी पीएफआई की पूरी एबीसीडी की। टेरर फंडिंग, हत्या, जिहाद, आईएसआई से संबंध होना, ऐसे तमाम आरोप लगातार पीएफआई पर लगते रहे हैं और इस बार भी ये आरोप जारी है। मगर इस बार केंद्र की नजर पीएफआई के वजूद पर मानो कहर बनकर टूट रही है। दरअसल एनआईए ने गुरुवार आधी रात से 13 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की। टेरर फंडिंग केस में हो रही इस कार्रवाई में पीएफआई से जुड़े 106 सदस्यों को अरेस्ट किया गया, जिसके बाद इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है, फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। तो जो इतना बड़ा कुकृत्य करता हो, फंड इकट्ठा करता है, भारत के खिलाफ आंदोलन करता है, भारत के जनमानस को भड़काता है, ये नीतीश बाबू, ये लालू बाबू, लालू यादव, ये लोग नीतीश जी तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टिकरण की राजनीति में कभी लालू जी सिम्मी को, लोग कहते हैं कि सिम्मी पर जब बैन हुआ तो सिम्मी को बंद करके पीएफआई बनाया। ये कार्रवाई कहां कहां, किस किस राज्यों में हुई और वहां कार्रवाई के दौरान क्या क्या हुआ, वो आगे आपको बताएंगे। मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि पीएफआई का इतिहास क्या है। दरअसल 2007 में गठन, 20 राज्यों में विस्तार, 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 1994 में केरल में मुसलमानों ने नेशनल डेवलपमेंट फंड एनडीएफ की स्थापना की। साल 2003 में कोझिकोड के मराड के बीच पर 8 हिंदुओं की हत्या में एनडीएफ के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। इस घटना के बाद बीजेपी ने एनडीएफ के आईएसआई से संबंध होने के आरोप लगाए, जिन्हें साबित नहीं किया जा सका। केरल के अलावा कर्नाटक में कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी यानी कि केएफटी और तमिलनाडु में मनीथार नीति पासाराई एमएनपी नाम के संगठन जमीनी स्तर पर मुसलमानों के लिए काम कर रहे थे। इन संगठनों का भी हिंसक गतिविधियों में नाम आता रहा था। नवंबर 2006 में दिल्ली में एक बैठक हुई, इसके बाद एनडीएफ इन संगठनों के साथ मिल गया और पीएफआई का गठन हुआ। तब से संगठन काम कर रहा है, अभी देश के 20 राज्यों में एक्टिव है। अब सवाल ये है कि ये किन किन राज्यों में बैन है, अभी किन राज्यों में बैन है पीएफआई? पीएफआई अभी सिर्फ झारखंड में ही बैन है। इसके खिलाफ पीएफआई ने कोर्ट में अपील भी की है, इससे पहले भी इसे बैन किया गया था लेकिन रांची हाईकोर्ट ने बैन हटा दिया था। कई बार देश में माहौल खराब करने के मामलों में इस संस्था का कहीं ना कहीं से कनेक्शन निकलता रहा है, चाहे बाबरी मस्जिद गिराए जाने के समय की बात हो या सीएनआरसी को लेकर माहौल खराब करने का मामला हो या फिर दिल्ली के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में दंगे कराने की साजिश हो। पीएफआई पर ही इन सभी के लिए आरोप लगते रहे हैं। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा से पहले यूपी के हाथरस कांड में भी इसी का नाम सामने आया था। इस संगठन की जड़ें काफी फैली हुई हैं और कहीं पर इसके सदस्य अधिक सक्रिय हैं तो कहीं पर कम, मगर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में इनकी जड़ें काफी गहरी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। संगठन खुद को न्याय, स्वतंत्रता और सुरक्षा का पैरोकार बताता है और मुसलमानों के अलावा देश भर में दलित आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार के लिए समय समय पर मोर्चा भी खोलता है। तो चलिए अब एक बार फिर से कार्रवाई पर लौटते हैं। दरअसल एनआईए और ईडी की ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और राजस्थान में चल रही थी। इधर कार्रवाई के बीच गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई। मीटिंग में एनएसए अनिल डोभाल, गृह सचिव अजय भल्ला और एनआईए के महानिदेशक मौजूद रहे। क्यों पड़ी छापेमारी, इसकी वजह भी आपको बता देते हैं। राज्य में टेरर फंडिंग करने का आरोप, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और हैदराबाद में आतंकी गतिविधि बढ़ाने के लिए भारी संख्या में टेरर फंडिंग की गई। लिंक खंगालने के बाद जांच एजेंसियों ने यह कार्रवाई की है। ट्रेनिंग कैंप लगाने का आरोप, एनआईए को सूचना मिली कि कई राज्यों में पीएफआई बड़े स्तर पर ट्रेनिंग कैंप लगा रही है। इसमें हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के साथ साथ लोगों का ब्रेन वॉश भी किया जा रहा था। फुलवारी शरीफ का लिंक, जुलाई में पटना के पास फुलवारी शरीफ में मिले आतंकी मॉड्यूल को लेकर भी छापेमारी की गई। फुलवारी शरीफ में पीएफआई के सदस्यों के पास से इंडिया 2047
का 60 पेज का डॉक्यूमेंट भी मिला था। इसमें अगले 25 सालों में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की प्लानिंग भी थी। वहीं एनआईए ईडी छापेमारी के खिलाफ पीएफआई के कार्यकर्ता केरल के मलप्पुरम, तमिलनाडु के चेन्नई, कर्नाटक के मंगलुरु में सड़कों पर उतर गए। केरल में कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम भी की, जिसे हटाने के लिए पुलिस बल ने हल्के बल का इस्तेमाल किया। इधर पीएफआई ने बयान जारी करते हुए कहा कि आवाज दबाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। सेंट्रल एजेंसी हमें प्रताड़ित कर रही है, हम इसके खिलाफ हड़ताल करेंगे। समाज में सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप में पीएफआई अभी सिर्फ झारखंड में ही बैन है। इसके खिलाफ संगठन ने कोर्ट में अपील भी की। वहीं केंद्र सरकार भी पीएफआई पर सिंगंजा कसने की तैयारी में है। इसके लिए अगस्त में ही एक टीम बनाई गई थी, जिसे 3 मोर्चे पर काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पीएफआई के नेटवर्किंग की मैपिंग करना, शुरुआत कर्नाटक से, लेकिन देश के उन सभी इलाकों का भी एक मैप तैयार होगा जहाँ पीएफआई से जुड़ा एक भी व्यक्ति रहता हो। पीएफआई की फंडिंग के सोर्सेज का पता लगाना, साथ ही उससे जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना। पीएफआई का नाम जिन जिन दंगों या फिर घटनाओं में आया, उन सभी मामलों को ज्वाइंट टीम रिविजिट करेगी। अब सवाल ये है कि क्या इस बार पीएफआई पर सिकंजा कस लिया जाएगा या फिर यह विवाद सुर्खियां बनकर खत्म हो जाएगा।